क्या हो अगर तुम लोग को सर्वाइव करना पड़े 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर, एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे तुम लोग को मिलेगा नए क्रिएचर्स, नए मोब, नए ओर्स, नए विलेजर्स और नए आर्मर्स। तो क्या तुम लोग सर्वाइव कर पाओगे माइनक्राफ्ट 100 डेज सर्वाइविंग इन माइनक्राफ्ट अगर एडिशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो क्या तुम लोग एक्साइटेड हो मेरे साथ इस जर्नी पर चलने के लिए? तो यार लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को बहुत 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 ज़्यादा टाइम लगा है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, इट्स मीन अ लॉट। एंड लेट्स गो द वीडियो एंड सब्सक्राइब लाइक कर देना, थैंक यू, लेट्स गो। डे वन को स्पॉन हो गया था मैं एक पेड़ पे, एंड वहाँ से नीचे उतरा मैं। नीचे उतरने के बाद मैंने कुछ लॉक्स चॉप किए, लॉक चॉप करके मैंने क्राफ्टिंग बना ही रहता हूँ कि पीछे से एक ज़ॉम्बी आ जाता है और उसे मैं मार देता हूँ। मार के भाई मैं वहाँ से निकल लेता हूँ, देखो कोई नूब नहीं बोलेगा। फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल लगाया और उस क्राफ्टिंग टेबल से एक मैंने वुडन का पिकेक्स बनाया, और उस वुडन का पिकेक्स से मैंने थोड़े से कॉबल स्टोन कलेक्ट किया। और फिर मैंने स्टोन के कुछ टूल्स बनाए, जैसे कि पिकेक्स, एक्स और सवल। सवल से मैंने थोड़े से ब्लॉक्स कलेक्ट किया, उसके बाद मैंने थोड़े से फूड कलेक्ट किए। फूड कलेक्ट कर ही रहता हूँ तभी मुझे दिखता है एक नया मूव जिसका नाम है रेन डियर। आई डोंट नो क्या नाम है भाई इसका, बट हाँ दिखने में तो बढ़िया लग रहा था। मैंने हाय हेलो बोला, पर इसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था यार। तो फिर एंड इसे मार कर मुझे फूड मिला जो कि हम लोग पका के खा सकते हैं। एंड मैंने थोड़े से आगे बढ़ा एंड वहाँ पे मुझे बेरीज मिल गए, तो मैंने वो बेरीज कलेक्ट किए। एंड मैं थोड़े से आगे गया, वहाँ पे मुझे रूइन पोर्टल मिल गया था। एंड वहाँ इतना लकी रूइन पोर्टल था मेरे लिए, वहाँ पे तीन गोल्ड के ब्लॉक मिले वहाँ। एंड मैंने जैसे ही चेस्ट खेला वहाँ पे मुझे मिला लिटरली इंचैंटिंग गोल्डन एप्पल। भाई यार इतना लकी रूइन पोर्टल आज तक मुझे कभी नहीं मिली भाई, मतलब बहुत ही लकी थी। एंड यहाँ पे मुझे कुछ आयरन का इंगट एंड गोल्ड के इंगट मिले। आगे मुझे शुगर कैन मिला तो मैंने उसे कलेक्ट किया। एंड फिर मैं ट्रैवल करने लगा एक विलेज की तलाश में, और थोड़े से आगे जाते हुए मुझे मिला यहाँ पे डॉग, पर अफसोस मैं इसे पाल नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास बोन्स नहीं थे। तो मैं वहाँ से निकल लिया भाई, मेरे पास दो बुल थे। मुझे आगे वहाँ पे सिप दिख रही थी, तो मैंने वहाँ फटाफट से छलांग मराया और एक बुल लेने चल गया मैं। और मुझे वहाँ पे एक और शुगर कैन मिला तो मैं उसे भी ले लिया। एंड वहाँ पर रात भी हो गई थी तो मैंने बेड बना कर सोने की जैसे ही कोशिश की वैसे मेरे पीछे मॉब्स आ गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या? जॉम्बी के साथ 1 2 3 हाथ किया, दूसरे जॉम्बी को मैं मार ही रहता हूँ तभी वो एक आयरन ड्रॉप करता है, और ये बहुत लकी था मेरे लिए। तभी मैं वहाँ से बेड तोड़ता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल तोड़ के मैं भाग जाता हूँ वहाँ से। दूसरे जगह प्लेस किया सोने के लिए तो वहाँ पे क्रीपर भाई साहब आ गए। एंड वहाँ से मैंने अपना बेड कलेक्ट किया और दूसरे जगह प्लेस करके मैं सो गया, और ऐसे ही मेरा डे वन खत्म हो गया था। डे टू की शुरुआत होते ही मैं अपना बेड कलेक्ट, और जो मुझे जॉम्बी से एक आयरन मिला था उसके लिए मैं सील बनाने के लिए थोड़े से लॉक्स कट किए, एंड उससे मैं अपना सील बनाया। फिर मैंने थोड़ा सा ट्रैवल किया और मुझे कोई बढ़िया सा केव नहीं मिले थे, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रीट डाउन किया। डाउन करते करते मैं कब AFK चल गया और कब डे टू से डे थ्री हो गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। डे थ्री के होते ही मैं ऊपर गया और फिर मैंने ट्रैवल किया विलेज की तलाश में। और मैं ऐसे चले ही आता हूँ तभी मुझे फाइनली वहाँ पे विलेज दिखता है, एंड मैं वहाँ पे जाकर लूटपाट मचाने लग जाता हूँ। पहले चेस्ट में मुझे लेदर का हेलमेट एंड बूट्स मिला था, और दूसरे घर में कुछ नहीं। तीसरे घर में मुझे कुछ एप्पल्स मिलते हैं एंड कुछ ब्रेड्स और एक बुक मिलता है और एक सैपलिंग और दो पोटैटोज। उसके बाद मैंने हेवल्स कलेक्ट किए, और फिर उस हेवल्स से मैंने थोड़े से ब्रेड क्राफ्ट किए, और मैं ब्रेड खा ही होता हूँ तभी मुझे पास आता है डियर, और उसको मैं उसका खुद का मीट दिखाता हूँ तब ये भी निकल लेता है एंड मैं भी निकल लेता हूँ। बेचारा डर गया होगा, खौफ ही है हमारा इतना। और के विलेज के बगल में यहाँ पे केव भी मिल गया था, तो वहाँ पे मैं चल गया एक्सप्लोर करने। वहाँ से मैं स्ट्रेट डाउन करते हुए नीचे तो आ गया था, पर वहाँ पे थोड़े से कोल्स से तो मैंने कोल्स कलेक्ट किए।
कोल्स कलेक्ट करके मैंने टॉर्च क्राफ्ट किया। टॉर्च क्राफ्ट कर चारों ही तरफ रोशनी रोशनी फैला दी मैंने। और मैं माइनिंग कर ही रहा था तभी वहाँ पे मेरा केव निकलता है, नीचे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने ऐसे जय श्री राम बोल के वहाँ पे जंप मार लिया। एंड फाइनली वहाँ पे पानी था, एंड मेरे दूर से थोड़ा पानी पानी लग ही रहा था, इसलिए मैंने जंप मारा कि मैं पागल थोड़ी जो हार्ड कर मैं ऐसे जंप कर दूंगा भाई। एंड वहाँ पे ज़ॉम्बी आ जाता है एंड मुझे मारने लगता है, एंड मैं इतना पैनिक हो जाता हूँ कि मैं भागने लगता हूँ। एंड भागते भागते मुझे विच मिल जाती है, विच जो मुझे पोषण मार देती है, एंड मैं पैनिक में इंस्टेंटली गोल्डन एप्पल खा लेता हूँ और छुप के मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ। देखो कोई नूब नहीं बोलेगा भाई, पहली बार हार्ड कर खेल रहा हूँ भाई, समझा करो भाई। यहाँ बैठे बैठे मुझे यहाँ पर आयरन दिखता है तो मैं उसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और इस केव को मैं और एक्सप्लोर करने के लिए पानी के सहारे मैं नीचे चल जाता हूँ। और मैं ऐसे मस्त में टहल रहा हूँ तभी मेरे साथ ये होता है। एंड वहाँ से मैं भाग के ऊपर जाता हूँ, एंड रात भी हो रही थी तो मैं घर के अंदर जाकर सो गया। तो सुबह जैसे मैंने उठा एंड मैं जैसे बाहर गया वैसे क्रीपर मेरे को गुड मॉर्निंग बोला, एंड फिर होना क्या था, फिर मैंने उसका रिप्लाई दिया। एंड केव से मेरे को जितना आयरन मिला था उससे मैंने फर्नेस बनाया, फर्नेस में आयरन स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। आयरन जैसे स्मेल्ट हुआ वैसे मैंने आयरन के कुछ टूल्स बना लिए, फिर मैंने कुछ वुड कलेक्ट किए। एंड दोबारा पाया तो मैं उसके फिर थोड़े से मुझे रेड स्टोन मिले और फिर थोड़े से डायमंड्स मिले, तभी यहाँ पे मैं आयरन कलेक्ट कर रहा होता हूँ तभी मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, उसके साथ मैं थोड़े से फ़ोटो खिंचाता हूँ। एंड सब्सक्राइबर लोग कुछ ज़्यादा ही फ़ोटो खिंचा लिए, फिर मुझे थोड़े से और डायमंड्स मिले। और इस सब कलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने घर पे। घर पे आता तो रात हो चुकी होती है तो मैं सो जाता हूँ। एंड सुबह होते मैंने आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रख दिया, एंड डायमंड के कुछ टूल्स बनाया एंड कुछ आर्मर्स, और मैं आधे डायमंड आर्मर में कवर हो चुका था। तो यहाँ पे मेरा आधा डायमंड का आर्मर तो कंप्लीट हो गया था। अब बारी थी मेरे को घर बनाने की, तो यहाँ पे थोड़े से आयरन मैंने कलेक्ट किया था, उससे मैंने एक लेगिंग्स बकेट और एक बूट्स बना लिए। तो यहाँ पे ये प्लेस मेरा विलेज के बगल में था और मुझे पसंद भी आ रहा था, तो इसे मैं फ्लैट करता हूँ और मेरे दोस्त से कुछ उधारी सामान लेता हूँ। ट्रस्ट नहीं अपने दोस्त को वापस कर दूँगा। तो फिर यहाँ पे मैंने क्राफ्टिंग टेबल लगाया और उससे चेस्ट क्राफ्ट किया और उसमें मैंने सारा सामान रख दिया। ये तो मेरे को थोड़े से कोबल स्टोन भी चाहिए था तो मैंने माइनिंग कर लिया, एंड कोबल स्टोन भी मिल गया, माइनिंग का माइनिंग भी हो गया। और फिर रात भी हो रही थी तो मैं घर पे आके अपने सो गया। सुबह होते मैंने कोबल स्टोन को फर्नेस में रखा एंड उसके बाद मैंने सारा सामान को एक जगह रख कर थोड़े से माइनिंग किया। उसके बाद मैंने आयरन का दो सॉल बनाया एंड जगह को फ्लैट किया। तुम लोग टाइम लैप्स इंजॉय करो, मैं पेन इंजॉय करता हूँ। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। उसके बाद मैं अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया। एंजॉय द टाइम लैप्स। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।
मुझे लगता है इस वीडियो को अभी यहाँ पे एंड करना चाहिए। एंड इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा जैसे तुम लोग लाइक एम कम्प्लीट कर दोगे। इस वीडियो का लाइक एम 50 लाइक्स एंड इससे बड़ी मैंने वीडियो आज तक अपने चैनल पर नहीं डाली है। एंड आई होप तुम लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना। अभी तक देख रहे हो तो एक व्हाइट हार्ट स्पैम कर देना।